फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे घरों में या फिर फैक्ट्री वगैरह में यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सिंगल फेज में 220 वोल्ट होते हैं और डबल फेज में यानी फेज टू फेज 440 वोल्ट होते हैं, लेकिन थ्री फेज में 660 वोल्ट क्यों नहीं होते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किस तरह से बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो अल्टरनेटर के थ्रू बनती है, यानी अल्टरनेटिव करंट। अब अल्टरनेटर को मूव करने के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंजन लगा सकते हैं, वो जनरेटर कहलाता है, या फिर टर्बाइन लगा सकते हैं जो कि पानी से चलती है, या फिर विंड टर्बाइन भी लगा सकते हैं जो कि हवा से चलती है, या फिर परमाणु तरीके से या फिर कोयले वगैरह से भी बिजली बनती है। लेकिन सभी का काम वही होता है कि अल्टरनेटर को घुमाना। जो हम अपने आसपास देखते हैं ये छोटे अल्टरनेटर होते हैं, लेकिन जो बिजली सप्लाई करते हैं जो बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं वहां पर फिर मेगावाट में अल्टरनेटर लगे होते हैं, यानी 1000 KVA बराबर होता है 1 मेगावाट। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, हम किसी भी तरह से अल्टरनेटर को घुमाना होता है, अल्टरनेटर ही हमें बिजली पैदा करके देता है। तो ये देखेंगे कि बिजली किस तरह से बनती है और देखेंगे थ्री फेज में 660 वोल्टेज क्यों नहीं होते हैं। तो इसको हम समझेंगे ड्रॉइंग पर। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं ड्रॉइंग पर। यहाँ पर हम बात कर रहे थे सिंगल फेज बराबर 220 वोल्ट। अब जब सिंगल फेज में 220 वोल्ट हो गए तो डबल फेज में, यानी कि इस तरह से कर सकते हैं 220 प्लस 220 बराबर होता है 440 वोल्ट। वहीं अगर हम 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट, ये हो गया आर, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, एक फेज, दो फेज, तीन फेज। तो यहाँ पर होता है ये थ्री फेज का 660 वोल्ट। यहाँ पर भी हमने इसके फेज टू फेज चेक किए तो 440 हो गए, सिंगल फेज में ये 220। अब ये सिंगल फेज में 220 कहाँ से आए ये भी देखेंगे। अब यहाँ पर ये सिंगल फेज में 220 वोल्ट कहाँ से आए और ये थ्री फेज में 660 वोल्ट क्यों नहीं हो पाई, इसको हमें बारीकी से समझने के लिए हमें अल्टरनेटर के डिजाइन पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो इसको मैं आपको बारीकी से बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही बताऊंगा। जो हमारा थ्री फेज का अल्टरनेटर होता है उसके अंदर तीन सर्किट चलते हैं, 1, 2, 3, यानी कि R, Y एंड B। तो एक थ्री फेज के अल्टरनेटर के अंदर टोटल 12 क्वाइलें होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसके कनेक्शन समझ लेंगे पहले, तभी हमें सब कुछ समझ में आएगा। यानी कि ये हमने मिला दिया 1, 2, 3, 4, तो ये वाला सिरा हमने यहाँ से मिला दिया और उसके बाद ये वाला जो सिरा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यहाँ मिला दिया, 1, 2, 3, 4 ये वाला सिरा हमने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर ये वाला मिल गया है, ठीक है, और एक पॉइंट हमें यहाँ पर ये वाला मिल गया, ठीक है। सेम इसी तरह से ये वाले भी कनेक्शन भी हो जाएंगे हमारा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको अल्टरनेटर का डायग्राम टेम्परेली बना करके दिखा दिया है, लेकिन ओवरऑल लास्ट में जो हमें लीडें मिलती हैं वो 6 लीडें मिलती हैं, R बाई बी, ये इनर सिरा हो जाता है और ये इसका आउटर सिरा हो जाता है। 3 लीडें हमारी ये हो गई और 3 लीडें हमारी ये हो गई, चाहे हम इस साइड की या फिर इस साइड की, तीनों लीडों को मिला करके हम इस तरह से स्टार बना देते हैं। चाहे हम ये वाला ले सकते हैं या फिर ये वाला ले सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हमारा निकल करके आता है ये हमारा न्यूट्रल निकल करके आता है, ये हो गया हमारा N, और ये वाला पॉइंट हमारा आ गया R फेस, ये वाला हमारा हो गया वाई फेस और ये वाला हमारा हो गया बी फेस। तो ये कुछ इस तरह से तीन फेस निकल करके आते हैं। न्यूट्रल हमारा कहाँ से मिला, इसका जो दूसरा वाला सिरा है यहाँ पर, इन तीनों को हमने आपस में कंबाइन कर दिया है, कॉमन बना दिया, वहीं से हमें यहाँ पर ये न्यूट्रल प्राप्त हुआ है। तो अब हम यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि फेस टू फेस 660 वोल्टेज क्यों नहीं हो पाते और ये न्यूट्रल हमें कहाँ से मिल गया है। वैसे न्यूट्रल तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब हम समझें, फेस टू फेस तो हमारे 440 वोल्ट हो गया और सिंगल फेज में हमारे 220 वोल्ट हो गया, लेकिन थ्री फेज में हमारे 660 वोल्टेज क्यों नहीं होते, ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा। किस तरह से समझेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब हम यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करेंगे, ये हमारा मल्टीमीटर हो गया मान लीजिए एग्जांपल फॉर, तो इसको हम यहाँ लगा दिया दूसरी लीड। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर आप समझेंगे कि एक सर्किट में आपको 220 वोल्ट मिल रहे हैं, 220 इसमें मिले हैं हमें, 220 इसमें मिल रहे हैं, 220 इसमें मिल रहे हैं, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है।
220 किस तरह से मिले आपको ये भी समझ में आ जाएगा अभी। तो अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लगा करके ये हमारा मीटर हो गया, तो जब हम यहाँ पर इस पॉइंट में लगाएंगे तो एक फेज़ में हमारे 220 वोल्ट हो गए, दूसरे फेज में 220 वोल्ट हो गए। तो जब हम फेज़ टू फेज़ को चेक करेंगे, मीटर की एक सुई ये हो गई, दूसरी सुई ये हो गई, तो यहाँ पर फेज़ टू फेज़ हमें 440 वोल्ट मिल जाएंगे, ठीक। लेकिन अब हमें यहाँ पर मीटर की ये वाली सुई हटानी पड़ेगी या फिर ये वाली सुई हटानी पड़ेगी, तभी हम इसको तीसरे फेज़ को चेक करेंगे। तो मान लीजिए कि इसको हटा करके हमने ये वाली सुई जो है वो यहाँ पर लगा दी है। तो जब हमने ये वाली सुई हटा करके यहाँ पर लगा दी तो 220 वोल्ट इसके बने, 220 वोल्ट इसके बने, तो यहाँ पर भी 440 वोल्ट शो करेगा, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए कि इसको हटा करके यहाँ पर लगा देंगे तब भी 220 वोल्ट ये बने, 220 वोल्ट ये बने, यहाँ पर 440 शो करेगा। अब मान लीजिए कि हम एक सुई यहाँ पर न्यूट्रल पर लगाएंगे, तो न्यूट्रल पर हमारा कोई भी वोल्ट नहीं है, यहाँ पर हमारा जीरो वोल्ट ही शो करेगा, टेस्टर भी यहाँ पर ग्लो नहीं करता। तो मान लीजिए कि मीटर की हमने एक सुई यहाँ पर लगा दी है न्यूट्रल पर, और दूसरी सुई यहाँ से हटा करके यहाँ पर लगा दी, लेकिन यहाँ पर हमें 220 वोल्ट ही ये शो करेगा, क्योंकि एक सर्किट में ये 220 वोल्ट है। अभी आपको समझ में आएगा कहाँ से है। अब यहाँ पर देखने में ये मिल रहा है 220 वोल्ट हमारे इसके हो गए, 220 वोल्ट इसके हो गए, 220 वोल्ट इसके हो गए, टोटल हमारे 660 वोल्टेज हो गए। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब हम मीटर से चेक करते हैं तो मीटर में सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ये आ गया मीटर का, ठीक है, ये मीटर है, एक पॉइंट ये है सुई, और दूसरी सुई ये है। तो दूसरी सुई हम यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर लगा सकते हैं, इसमें तीन सुइयाँ नहीं होती हैं ना ही तीन पॉइंट होते हैं। तो हम एक बार में सिर्फ दो ही फेस को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस वजह से फेस टू फेस के 220 और 220 440 वोल्ट ही ये शो करेगा। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर 440 वोल्ट ही क्यों आ रहा है, ये समझेंगे। तो मान लीजिए कि हमने पहली सुई यहाँ पर लगा दी है, तो ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे नीला, हम यहाँ पर नीला वाले सर्किट की बात कर रहे हैं, ये घूम करके आया यहाँ पर इसका एंड हो गया। तो यहाँ पर इसमें 220 वोल्ट हो चुके हैं एक सर्किट में, ठीक है। अब हमने इसकी दूसरी सुई मान लीजिए कि यहाँ पर लगा दी है या फिर यहाँ पर लगा दी है, तो यहाँ से हम देखने के चलेंगे, लाल वाले की बात कर रहे हैं हम, रेड वाले में चल रहे हैं इस समय, ये यहाँ पर आकर इसका यहाँ पर एंड हो गया, तो 220 वोल्ट हमारे यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। तो मीटर को हम सिर्फ इसी तरह से चेक कर सकते हैं, एक साथ तीनों में चेक नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पर नीले वाले को और यहाँ से फिर ये लाल वाला हमारा रिवर्स हो गया, तो यहाँ पर ये 440 वोल्ट हमारे शो कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर ना लगा करके यहाँ पर लगाएंगे, एक हमारी यहाँ पर लगी है, ये वाली हटा सकते हैं चाहे या फिर ये वाली हटा सकते हैं। एक बार में हम सिर्फ दो ही वायर पर लीड लगा सकते हैं मीटर की। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लगाई है, हम यहाँ पर येलो वाला लेके चल रहे हैं पीला वाला, तो ये भी यहाँ पर ही सर्किट एंड हो गया, तो इसके अंदर भी 220 वोल्ट हमारे हो चुके हैं। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम एक बार में सिर्फ दो ही सर्किट को चेक कर सकते हैं, इसके 220 वोल्ट हो गए नीले वाले के और पीले वाले के, यहाँ पर ये एंड हो गया है। यानी हम किसी भी फेस को जब चेक करेंगे तो इसका जो आउटर वाला सिरा है ये यहाँ पर आकर के कॉमन बना हुआ है, तो यहाँ पर इसकी एंड होनी ही है। उसके बाद हम चाहें तो इस वाले सर्किट का दूसरा सिरा चेक करेंगे यहाँ पर, या फिर लाल वाले का या फिर पीले वाले का, तो हम एक बार में सिर्फ दो ही को चेक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 660 वोल्टेज नहीं होता है। और न्यूट्रल में तो हमारा यहाँ पर ये जीरो वोल्ट होगा, तो न्यूट्रल की पहली सुई हमारी यहाँ पर रहेगी, दूसरी सुई हमारी यहाँ पर रहेगी, तो ये न्यूट्रल में 220 वोल्ट सिर्फ एक ही सर्किट के दिखाता है, चाहे हम ये वाला चेक करें, ये वाला चेक करें या फिर ये वाला चेक करें। तो आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि थ्री फेज के अंदर 660 वोल्टेज क्यों नहीं होते हैं। फ्रेंड कैसी लगी आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।